वेलकम बैक स्टूडेंट्स. इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज़ 5.2. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. यू विल फाइंड अ वीडियो ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ ऑल्सो इन माई चैनल. तो लेट्स स्टार्ट 5.2 टूडे. सेम फॉर्मूला वी विल डिस्कस हेयर. जनरल टर्म का जो फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, कैसे आया था ये फॉर्मूला, उस पर भी हमने बात की थी. और आज हम 5.2 में भी मोस्टली क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 5.2 के. देखिए अपनी बुक में सामने लिखा हुआ है, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल फ्रॉम a, d, n एंड a, n. चार अननोन टर्म्स हैं. चारों क्या है, क्या है आपको पता है. दिस इज फर्स्ट टर्म. a क्या होता है, फर्स्ट टर्म है आपकी. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है. डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है. और ए एन क्या है, nth टर्म है, या जनरल टर्म भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो इसके अंदर से कितनी टर्म बन रही, देखो 1, 2, 3, 4, देर आर फोर टर्म्स. और आउट ऑफ दोज फोर इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड थ्री टर्म्स. तो यू हैव टू फाइंड वन टर्म एंड दैट कैन बी एनी थिंग आउट ऑफ फोर. वो चार में से कोई भी एक हो सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8. ये तीन टर्म गिवन है और एक आपको फाइंड आउट करनी है. तो पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, ए एन नहीं है इसके अंदर, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ए एन. ए की वैल्यू क्या है, 7 प्लस में एन कितना है, 8 माइनस 1, और डी कितना है, 3. क्या किया इस फॉर्मूले में, पुट किया सिंपली. तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस, ये बचा आपका 7, और 7 3 जा 21. तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 28. इस टाइप से करना है. ठीक है, इसका से और फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर. चार भी है, पांच पार्ट है, दो मैं करके दिखा रहा हूँ. फोर्थ पार्ट देखिए इसके अंदर क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस 18.9, डी इज इक्वल टू 2.5 एंड ए एन इज इक्वल टू 3.6. नाउ ए एन इज गिवन इन दिस पार्ट, सो यू हैव टू फाइंड एन. एन मिसिंग है ना अब यहाँ पर फ्रॉम दिस फॉर्मूला, चेक कर लो एन की वैल्यू नहीं गिवन है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एन. तो पुट करेंगे ए एन गिवन है नाउ 3.6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है आपकी माइनस 18.9 प्लस में एन इज मिसिंग माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है यहाँ पर 2.5. तो इसको सोल्व करेंगे, 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस 2.5 एन और माइनस 2.5. ठीक है, ये बना. कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, नंबर्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 और प्लस में 2.5 और इज इक्वल टू आपका 2.5 एन. ठीक है, तो ये सोल्व करके कितना बन रहा है यहाँ पर, 25 बन रहा है. चेक करना इसको, 14.6 25.0 यानी 25 बन रहा है, इज इक्वल टू 2.5 एन. ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड में आएगा, 25 अपॉन में 25 लिख देंगे इसको, डिवाइड में 10 कहाँ जाएगा, ऊपर इज इक्वल टू एन. तो ये कैंसिल आउट, तो एन की वैल्यू क्या आ गई है, 10. ये करना था इसमें. हर बार आपको चार, इन चारों में से 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ फोर टर्म्स इन एवरी पार्ट देर आर थ्री टर्म्स गिवन एंड यू आर फाइंडिंग ओनली दैट सिंगल टर्म. तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखिए क्या इसके अंदर MCQ क्वेश्चन है, 30th टर्म ऑफ द AP इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. इट मीन्स यू कैन अवेल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट मीन्स ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी गिवन है और इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछेगा उसको हम फाइंड आउट कर रहे होंगे. ओके, तो देखो क्या निकालना है इसमें, 30th टर्म निकालनी है AP की, एंड AP इज 10, 7, 4. ये आपको AP गिवन है और फाइंड आउट करना है A30. तो कल सारे फॉर्मूले बताए मैंने, A30 का फॉर्मूला क्या था, A प्लस 29D. या फिर डायरेक्टली अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है कि ये कैसे आ रहा है, तो A30 मतलब N30 है. N की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पर, A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1, क्या बनेगा, 29D. तो इस टाइप से फॉर्मूला आ रहा है. ठीक है, अब D निकालो यहाँ पर, D की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10 जो कि आ रही है माइनस 3. ठीक है, तो पुट कर दो इसमें, ए है आपका 10 प्लस में 29 और डी की वैल्यू क्या है, माइनस 3. तो इसको सोल्व कर रहे होंगे हम, ये अब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, A30
डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पता लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में नंबर जाएगा। ये बना आपका -87, ठीक है। तो ये क्या बचा यहाँ से, माइनस का 77। दिस विल बी द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। इस फॉर्मूले से हम इस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने ये 30th टर्म फाइंड आउट करके दिखाई है यहाँ पर, ठीक है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ए प्लस 10D बन जाएगा वहाँ पर, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या है इसके अंदर, फाइंड मिसिंग टर्म इन एपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसमें से पार्ट बन जाता है कई बार पेपर में, ऑब्जेक्टिव में। मिसिंग टर्म निकालनी है एपी की, इट मींस एपी इज ऑलरेडी गिवन, तो उसकी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं यहाँ से, 2, ब्लैंक है और 26, मतलब आपकी सेकेंड टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म गिवन और थर्ड टर्म गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसके दो तीन तरीके बनते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब ये आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है। और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 2D, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। तो ए 3 कितना है यहाँ पर, 26, ए कितना है 2, और D हमें नहीं पता, तो 2 इंटू में D एज इट इज। तो यहाँ से ये 2 इधर अगर माइनस हो जाएगा, क्या बना, 24 इज इक्वल टू 2D। तो डिवाइड में आया, क्या बना, D की वैल्यू क्या है, 12। मतलब आपका डी क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है। और फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A2। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। तो A में D ऐड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा, A क्या 2 और D फाइंड आउट किया 12, यानी कितना गए, 14। मतलब ये जो मिसिंग टर्म है वो क्या आपकी 14। तो इस बेसिक्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे इसमें, हर टाइप में थर्ड क्वेश्चन के। दूसरा जो इसी का अल्टरनेट मेथड की बात अगर मैं करूँ, इसको एक्स मान लो, ठीक है। दूसरे तरीके से करते हैं इसी क्वेश्चन को। आप देखो यहाँ से, ये है A1, A2 और A3। तो यहाँ से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है, ठीक है। A2 माइनस A1 क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस, और A3 माइनस A2 भी क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम होएगा, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ऑलरेडी, AP गिवन है ये, ठीक है। तो इसका यूज़ किया हमने, यस, A2 क्या है x और A1 क्या था 2, A3 क्या है 26 और A2 अगेन क्या है x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ये माइनस इधर अगर प्लस हो गया 2x, ये उधर गया 28, ठीक है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो दोनों मेथड है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, फिर है 13, फिर मिसिंग है और 3, ये क्वेश्चन है। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3 और 4 टर्म्स है, जिसके अंदर दो टर्म आपकी मिसिंग है। मतलब ये तो है A1, ये है A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, ये चार टर्म्स है, ठीक है। इट मींस क्या क्या गिवन है आपको, एक तो A4 गिवन है, 1, 2, 3, 4, A4 की वैल्यू क्या है 3, और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A+3D, ये तो आपको गिवन है 3, ठीक है। और क्या गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, यानी कि A2 इज 13, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D इज इक्वल टू 13। तो ये दो कंडीशंस आपको गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो आपको एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक थर्ड टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म मतलब A निकालना है और थर्ड टर्म मतलब A+2D निकालना है। थर्ड टर्म यही बनेगी ना, A+2D। इट मीन्स अगर हम A और D की वैल्यू निकाल दें, तो यहाँ पर पुट करते हैं फॉर्मूले में, ईजिली यू कैन फाइंड आउट थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, एलिमिनेशन मेथड लगा दो थर्ड चैप्टर का यूज़ करके, या सब्सिट्यूशन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड है A+D इज इक्वल टू 13। सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये साइन चेंज, तो ये अपना 2D इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। यहाँ से बचा 2D और ये माइनस का 10, दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -5। अब D -5 है, तो A फाइंड आउट कर दो, D की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो A प्लस में -5 इज इक्वल टू 13। तो ये हो जाएगा यहाँ से A-5 इज इक्वल टू 13, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 18। अब A भी पता है और D भी पता है, वी कैन फाइंड एनी टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अब हम। तो यहाँ पुट करो A3, थर्ड निकालनी है ना, A तो पता लग गया, A 18 है, यानी ये फर्स्ट टर्म है। अब A3 निकाल रहे हैं, तो 18 प्लस में 2, D की वैल्यू क्या थी, -5,
तो यहाँ पुट करेंगे 18 माइनस का 10, यानी क्या बचा 8। ये था 18 प्लस माइनस 10 यानी 8 बचा, तो दिस इज योर थर्ड टर्म। ठीक है, इस टाइप से करना था ये सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में देखो क्या है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर है 38 सेकंड टर्म, फिर मिसिंग तीन टर्म मिसिंग है बीच में, और फिर है माइनस 22। ब्लैंक है 38, फिर तीन टर्म ब्लैंक है, और फिर क्या है माइनस 22। नंबर ऑफ टर्म्स चेक करो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स है। यानी ये क्या आपका A6, तो यहाँ से लिखो A6 इज इक्वल टू माइनस 22। तो A और ये क्या है 1 2, यानी कि A2 इज इक्वल टू 32। तो सेम क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर भी दो इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट से देखो क्या बनेगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22, और यहाँ से A प्लस D इज इक्वल टू 38। तो वही सेम तरीका, एलिमिनेशन लगा दो यहाँ पर, ये कैंसिल आउट, ये बचा आपका 4D, और ये माइनस का साइन हो गया तो ऐड हो जाएगा माइनस 60। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15। दिस इज़ वैल्यू ऑफ D, तो D की वैल्यू पुट कर दो कहीं भी, यहाँ पुट कर देते A निकल जाएगा, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो A प्लस में D की वैल्यू है माइनस 15 इज इक्वल टू 38, यानी कि A माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो A क्या बन जाएगा, 38 प्लस में 15, यानी कितना हो गया ये 53। दिस इज A, दिस इज D। अब निकालना क्या, क्वेश्चन में चेक करो, A की वैल्यू तो आ गई, ये तो 53 हो गया, यहाँ पर ये निकालनी है अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ कर रहा हूँ मैं, मतलब A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। तो निकाल सकते हैं इजीली, A भी पता है और D भी पता है। A3 मतलब A प्लस 2D, ये A प्लस 3D, और ये यहाँ से A प्लस 4D। तो यहाँ पे पुट कर दो, A की वैल्यू क्या आई आपकी 53 प्लस में 2, और D कितना था माइनस 15। ठीक है, तो ये मेरा 53 माइनस में 30, यानी कितना बचा 23। ठीक है, अब इसमें पुट करो, व्हाट इज A, A की वैल्यू आपकी 53 प्लस में 3 इंटू D कितना है माइनस 15। तो ये सोल्व करेंगे यहाँ से, 53 माइनस 45, तो कितना बचा 8। अब फिफ्थ टर्म पर आ जाओ, A है आपका 53 प्लस में 4, और D की वैल्यू कितनी थी माइनस 15। तो ये बना 53 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, ये बचेगा क्या 7 बचेगा, सॉरी माइनस का 7। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज गिवन इज 78। ये पूछा आपसे, इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। विच टर्म का मतलब है वो एनथ टर्म, एन की बात होगी हमेशा, जब भी क्वेश्चन के अंदर आप ये पढ़ो ना, विच टर्म, इस विच टर्म का मतलब होता है एन। ठीक है, अब एपी आपको गिवन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3, 8, 13, 18 इज 78, मतलब ये 78 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये क्या है आपका, यहाँ से एनट्रम है ना, इट मीन्स ए एन क्या है 78। तो यहाँ पर पुट कर दो, ए पी आपको गिवन है, यहाँ तक जा रहा है ये 78, ये पूछा है, हाँ, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसमें। ए कितना है 3 प्लस में एन माइनस 1, और डी कितना बन रहा है यहाँ से 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो ये पुट किया यहाँ पर, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो ये बन गया यहाँ से 78 इज इक्वल टू 5n माइनस का 2, ये इधर आकर प्लस 80 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 16। मतलब इस एपी की 16th टर्म क्या बनेगी, 78 बनेगी। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक तो सोल्व हो गया आंसर है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो 16 टर्म चेक कर लो इसकी, ए 16 क्या बनेगा, ए प्लस 15 डी, तो पुट करो यहाँ पर, ए क्या है 3, 15 और डी कितना है 5, तो चेक कर लो ये 78 ही आ रहा है। दिस इज़ वेरीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस टाइप से मूव करते हैं क्वेश्चन 5 पर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब एन ही फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होएगी इस एपी के अंदर।
तो क्वेश्चन आपका 18, 15, 1/2, 13-----47 डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, यानी एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन तो वही बनेगा, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। तो ए एन क्या है, -47 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, और डी फाइंड आउट कर लो। डी यहाँ से निकालो क्या बनेगा, ये बना 31/2 माइनस में 18। तो एलसीएम लिया यहाँ पर कितना बन गया, 36, यानी -5/2। किसकी वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो इनटू में डी -5/2। तो इसको सोल्व करेंगे, -47 इज इक्वल टू 18, ये बना आपका -5/2 एन, और माइनस माइनस +5/2, ठीक है। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस बन गया यहाँ पर, और माइनस माइनस +5/2। सोल्व कर दो इसको, -47 ये 18 इधर आकर माइनस का हो गया, और 5/2 भी इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू -5/2 है। लाइक टर्म्स कलेक्ट किया हमने यहाँ से, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 LCM क्या बनाइए, 94 माइनस में 36 माइनस में 5 इज इक्वल टू -5/2 एन। 2 से 2 ये 2 कट गया यहाँ पर, तो ये सारे माइनस के ऐड होंगे, कितना बन रहा है, 41, 145 बनाना है यहाँ से। ये बना आपका 41, और 41 ऐड करोगे तो 135 बन जाएगा, माइनस में रहेगा, -135 इज इक्वल टू -5 एन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एन चल रहा है यहाँ पर, ये -5/2 इसके साथ एन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी बन गई 27, 135/5, ठीक है। इस टाइप से ये क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखाया मैंने आपको, फर्स्ट एग्जैक्टली सेम है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या इसके अंदर चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी। अब आपको चेक करके बताना है, डिफरेंट क्वेश्चन है कि जो -150 होएगा इस एपी की टर्म होएगा या नहीं होएगा। इट मीन्स ये इसका क्या है, एनएथ टर्म लेकर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन आपका 11852, ये, और हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो ए एन मान कर चलेंगे इसको, अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो ए एन इसका -150 इज इक्वल टू ए है 11 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से, -3, ए टू -A1, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, -150 इज इक्वल टू 11, ये बना माइनस का 3n, और माइनस माइनस +3, तो इसको सोल्व करेंगे, ये बना 14, इधर आएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू -3n, तो ये बना -164 अप, ये है -3n, तो कैंसिल आउट किया, 164 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन। तो ये चेक कर रहे हो आप यहाँ से 15 पॉइंट में जा रहा है समथिंग, ठीक है, पॉइंट में जा रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है कभी भी पॉइंट में नहीं होती। 3 जो है इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब एन कैसा रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, -150 इज नॉट अ टर्म, इसकी टर्म नहीं है ऑफ गिवन एपी। अगर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता तो वो टर्म बन जाता, अब टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपका, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। यहाँ तक लिख लेते हैं, पहले 31st टर्म निकालनी है, यानी ए 31 निकालना है, तो कैसे निकलेगी वो, ए प्लस 30d यहाँ से निकलेगी, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट ए एंड डी। आगे बढ़ते हैं, 31st टर्म निकालनी है, हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म 38 है, ये 11th टर्म मतलब ए प्लस 10d कितनी है वो 38, एंड 16th टर्म इज 73, जो 16th टर्म है यानी कि ए 16 वो आपकी कितनी है 73। तो 16th टर्म का क्या मतलब है, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो अगेन टू इक्वेशंस बन गई है, एलिमिनेशन लगाते हैं इस पर, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73, फाइंड आउट करेंगे ए और डी की वैल्यू, और यहाँ पर एक पुट कर देंगे, तो ए 30 बना जाएगा आपका। इसको सोल्व किया, ये कैंसिल आउट, क्या बना यहाँ से, -5d
ये इसमें से घटाओगे कितना बचा, 5 3 ये बचा ना, 5 और 3 5 13 3 3 6 7 ठीक है, ये बची वैल्यू माइनस के अंदर, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। डी की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो ये डी की वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ए प्लस में 10 इंटू में डी इजक्वल टू 38, तो ए प्लस में 70 हो गया, ये इजक्वल टू 38, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 38 माइनस 70 यानी कितना बचा, माइनस 32 सॉरी, ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। तो अब ए पता है और डी पता है, क्या फाइंड आउट करना है, ए 31 फाइंड आउट करना है ना, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ए 31 इजक्वल टू ए प्लस 30 इंटू में डी यानी कि ये, तो ये ना माइनस 32 प्लस में ये बचा भाई यहाँ से, तो माइनस कर दो, ये कितना आ गया, 178 ठीक है, दिस इज वैल्यू प्लस की आ रही ना, तो ए 31 आपका ये बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन है। आगे करते क्वेश्चन नंबर 8। 8th में देखिए क्या है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, पहली लाइन का मतलब है एक ए पी जो 50 टर्म्स की बनी हुई है, इसका मतलब एन कितना उसमें 50। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म जो आपको वो 12 गिवन है, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस 2d, वो आपको गिवन है 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म क्या बनेगी, वो टोटल टर्म्स कितने हैं 50, यानी कि लास्ट टर्म ए 50 और वो कितनी है 106, यही बोला ना, टोटल टर्म्स है 50 और लास्ट टर्म 106 दे रखी, यानी ए 50 हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है 20th टर्म, ए 29 फाइंड आउट करना ही है, तो ए 29 का मतलब क्या बनेगा, ए प्लस 28d, इट मीन्स वी विल फाइंड आउट ए एंड डी, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए 29 आ जाएगी आपकी। तो सोल्व करते हैं इसको, ए 50 का क्या मतलब है, ए प्लस 49d इजक्वल टू 106, सेम क्वेश्चन है ना बिल्कुल, ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा यहाँ से, माइनस 47d, और ये कितना बचा, माइनस 96, ठीक है, ये बचा यहाँ से, तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करें, 94 बचेगा ना ये, तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 4, तो डी की वैल्यू आ गई है, ए फाइंड आउट कर दो। अब डी की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट कर देते हैं, ए प्लस 2 इंटू में 2 इजक्वल टू 12, तो ए प्लस में 4 इजक्वल टू 12, ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है, तो ए की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू पता है, क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है तो आंसर आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखो इसके अंदर, इन द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस 8, आपको दो टर्म्स की वन है इसमें, दैट फर्स्ट वन है थर्ड एंड सेकेंड वन इज 9th टर्म, तो पूछा है इसके अंदर विच टर्म ऑफ दिस इज ए पी इज 0, इस ए पी की कौन सी टर्म 0 बनेगी, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन, जो कंडीशंस गिवन है उसका यूज़ कर लो, पहले थर्ड टर्म गिवन है यानी ए 3, वो आपकी 4, एंड 9th टर्म गिवन है यानी ए 9 जो कि है माइनस 8, तो वही दो इक्वेशन बनेगी एलिमिनेशन से, ए और डी फाइंड आउट कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये बना ए प्लस 2d इजक्वल टू 4, और यहाँ से बना ए प्लस 8d इजक्वल टू माइनस 8, तो लगाओ यहाँ पर एलिमिनेशन, ये प्लस हो गया, ये बचा आपका माइनस 6d, और ये हो गया 12, ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, तो डी माइनस 2 है तो ए कितना बनेगा, यहाँ पर पुट कर दो, ए प्लस 2 इंटू माइनस 2 इजक्वल टू 4, तो ये बना माइनस का 4 हो गया इजक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8, तो ए पता है और डी पता है, और चेक क्या करना है, इस ए पी की कौन सी टर्म 0 बनेगी, विच टर्म का मतलब क्या, ए एन यहाँ पर, ठीक है, यानी एन, तो ए एन यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूले में पुट करो, ये टर्म बतानी हमें, विच टर्म का मतलब होता है ये वाली टर्म, कौन सी टर्म, तो वो क्या है 0, ए पता है यहाँ पर कितना है 8, एन क्या आपका फाइंड आउट कर रहे हैं हम माइनस 1, और डी अभी फाइंड आउट किया है माइनस 2, तो ये बना आपका 8 माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये माइनस टू एन और प्लस टू, तो ये बना 10 हो गया यहाँ पर, माइनस टू एन और ये ज़ीरो, 10 इधर अगर माइनस हो गया इक्वल टू माइनस टू एन, तो कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब इस AP की जो भी ये AP बना था यहाँ पर सोल्व करके, हुज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस टू, उसकी कौन सी टर्म जीरो बनेगी? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग AP है, क्योंकि D क्या नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग में जाएगा, तो फिफ्थ टर्म जा करके क्या बन जाएगी इसकी, जीरो बन जाएगी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ एन AP, जो AP की 17 टर्म है, एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब क्या, बढ़ी हुई है, ज़्यादा उससे, किससे, इट्स 10th टर्म, उसकी 10th टर्म से एक्सीड्स ज़्यादा है, कितनी, बाय 7, उससे 7 ज़्यादा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, जो AP की 17 टर्म है यानी A17, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 10th टर्म ये हो गया और उससे कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो सॉल्व कर दो इनको, A प्लस 16D इजक्ल टू A प्लस 9D प्लस 7, A से A कैंसिल आउट, ये हो गया 16D माइनस 9D इजक्ल टू 7, तो ये बचा 7D इजक्ल टू 7, डी की वैल्यू क्या आ गई 1। यही फाइंड आउट करना था इसमें कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पूछा इसमें विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म, विच टर्म मतलब nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होनी चाहिए, इस AP की कौन सी टर्म, समझ गए हो, AP आपका 3, 15, 27, 39, ये AP है। अब ये पूछा गया, इस पहली बात तो 54th टर्म की बात हो रही है, तो ये निकाल लेते हैं, ये पूछा गया है इस AP की कौन सी टर्म इससे 132 ज़्यादा होएगी, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है, ये फाइंड आउट करना है 54th से 132 ज़्यादा फाइंड आउट करना है। तो पहले 54th निकाल देते हैं, ए 54 क्या बनेगा, 54 टर्म फाइंड आउट करेंगे पहले, ए बन जाएगी ए प्लस 53D, तो ए है आपका 3 प्लस 53 और डी क्या बनेगा 15 माइनस 3 यानी 12, यानी ये बना 12, तो ये 3 प्लस में 36, 60 और 3 63 ये बनेगा 639, चेक कर लो इसको, और 36 हो गया, 3 करीब बची, 60 और 3 63, ठीक है, 6 और 3 9, यस 54 टर्म आपकी ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि कौन सी टर्म 54 टर्म से 132, यस, तो ए एन बना यहाँ से 639 प्लस में 132, तो ये बन गया आपका 11, 7 और ये। अब ए एन फाइंड आउट करना है हमें, विच टर्म पूछा था ना, तो ए प्लस में एन माइनस 1D, ये बन गया यहाँ से, ठीक है, तो ए क्या है इसके अंदर 3 प्लस में एन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, और डी कितना है आपका 12 इज इक्वल टू 771, तो 3 प्लस में ये बन गया 12N माइनस 12 इज इक्वल टू 771, यानी कि 12N माइनस में कितना बचा यहाँ से 9, और वो उधर जाकर प्लस, तो ये बन गया आपका 780, तो 780 बाय 12 करोगे 65 आ गया यहाँ से, ठीक है 76, तो दिस इज़ योर आंसर, एन इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया इसके अंदर टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, पहले ये बता रखा है आपको दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले तो इसी से लिख लेते हैं, फर्स्ट AP मान लिया हमने, लेट फर्स्ट AP हूज फर्स्ट टर्म इज A, पहला AP माना जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है A, और जो सेकंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म मान लो A डैश मान ली हमने, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है यानी कि D है, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, इन दोनों AP की जो 100 टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है, तो जो फर्स्ट AP की 100 टर्म यानी क्या बना A 100 और सेकंड AP की 100 टर्म क्या बनेगा A डैश 100, और उनका डिफरेंस कितना गिवन है आपको 100 गिवन है, ओके। इस टाइप से ये तो AP जिसकी फर्स्ट टर्म A थी उसकी 100th टर्म है,
और ये ए पी जिसकी फर्स्ट टर्म ए डैश थी उसकी 100th टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है 100। क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनकी जो 1000th टर्म बनेगी उसके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले इसको सोल्व कर दो यहाँ से, ये क्या बनेगा ए प्लस 9090 माइनस में ये ए डैश प्लस 9090, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, ए प्लस 9090 माइनस ए डैश माइनस 9090 इज इक्वल टू 100। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए डैश क्या बचा यहाँ से 100, ये बचा। इसको इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। अब पूछा गया इसके अंदर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, ये 100th टर्म का डिफरेंस था तो 1000th टर्म का क्या हो जाएगा, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए 1000 क्या बनेगा, ए प्लस 9090 और ये क्या बन जाएगा ए डैश माइनस 9090, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा है ए माइनस ए डैश, और इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ से 100 थी, ठीक है। तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी यहाँ से क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया इसके अंदर, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने थ्री डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो थ्री डिजिट नंबर होना चाहिए और 7 से डिवाइड, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो वो क्या बनेगा 105, ठीक है। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, और करते करते लास्ट तक जाना है आपको, इसके बाद क्या आएगा ये बनेगा। तो लास्ट कौन सी टर्म बनेगी थ्री डिजिट जो 7 से डिवाइड हुए, आई थिंक 994 ये बन जाएगी, चेक कर लो, 2 1, ठीक है ये बन रही है एपी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या है 105 और डी क्या है 7, और निकालना क्या है हाउ मैनी डिजिट्स, ये फाइंड आउट करना है, मतलब एन फाइंड आउट करना हमें, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन क्या है यहाँ पर 994 इज इक्वल टू ए प्लस एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और डी की वैल्यू क्या बन रही है 7। तो सोल्व कर दो इसको, दिस इम्प्लाइज ये बना यहाँ से 105 प्लस में 7n माइनस 7, तो ये हो गया आपका 994 इज इक्वल टू, ये क्या बचा यहाँ से 98 प्लस 7, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n, तो ये कितना बच जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 896 अपॉन में 7 इज इक्वल टू एन, तो क्या बन गया ये n इज इक्वल टू ये बना 4 और 28 ये आ जाएगी, ठीक है 56, ठीक है। इस टाइप से करना, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो एग्जैक्टली इसी टाइप का है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, डिविजिबल हो किसी नंबर से या उसी नंबर का मल्टीपल हो, दोनों एक ही बात होती है पहली बात। तो उसमें तो डिविजिबल पूछा था और यहाँ पर मल्टीपल पूछा है, तो दोनों सेम थिंग है। 10 और 250 के बीच के कितने नंबर 4 से डिवाइड होएंगे ये बताना आपको। तो पहला नंबर क्या बन जाएगा यहाँ से 10 के बाद जो 4 से डिवाइड होता है 4, 12 बन गया, फिर क्या बनेगा 16, ऐसे करते करते 250 से पहले क्या आएगा 248 आ जाएगा, यस, ठीक है। अब ए पी पता लग गया आपको, ए पता है डी पता है, और क्या फाइंड आउट करना है वही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली एन फाइंड आउट करना है। तो ये आप लोग सोल्व करेंगे नोटबुक में। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखो क्या है इसके अंदर, 14 और 13 एग्जैक्टली सेम थे। 15 में देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, मतलब एन फाइंड आउट करना है पहली बात, तो आर द nth टर्म ऑफ टू ए पीज, दो ए पी है दोनों की nth टर्म, फर्स्ट ए पी है और सेकेंड ए पी है इक्वल, वो इक्वल होएगा, समझो इसको ध्यान से। n की कौन सी वैल्यू के लिए दो ए पीज की nth टर्म इक्वल होएगी, मतलब यू हैव टू ए पी, दोनों की nth टर्म निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ए पी आपका 63, 65, 67 ये है, पहले तो इसकी निकाल लो nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिखाई दे रहा है यहाँ से 2, ठीक है। सेकेंड ए पी है आपका 3, 10, 17 ये है, तो इसकी एन एस्ट्रम क्या है यहाँ पर ए प्लस
एन माइनस वन और डी कितना है 7। ठीक है, अब कह रहे हैं एन की किस वैल्यू के लिए इनकी एनेट्रम इक्वल भी होनी चाहिए, तो इक्वल पुट कर दो यहाँ पर, यानी ये दोनों इक्वल। तो 63 प्लस एन माइनस वन टू इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन 7। तो सोल्व करो यहाँ से, 63 प्लस 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से सोल्व करेंगे, ये अपना 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो इसको उधर ले जाओ, ये बन गया 5n और ये इधर आकर 65। तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो n इज इक्वल टू 13 आ गया, मतलब n 13th वैल्यू के लिए इन दोनों के एनेट्रम क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो दिस इज द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखो इसमें, डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करना है आपको, हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म गिवन है 16, लिख लेते हैं A3 इज इक्वल टू 16 एंड आगे कंडीशन है सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये, जो सेवन टर्म है A7 वो जो है एक्सीड्स फिर आ गया, मतलब बढ़ रही है उससे फिफ्थ टर्म से कितनी 12। तो फिफ्थ टर्म यानी A5 और उससे कितनी बढ़ रही है 12 बढ़ रही है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, AP फाइंड आउट करना है। तो AP फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस D निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, ये अपना A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 और यहाँ से A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस में 12। तो ऐसे A कैंसिल इधर आया, 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। तो इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें A भी पता है और D भी पता है, तो AP निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। A है 4, D क्या है 6, तो क्या बन जाएगा 10, फिर क्या जाएगा 16, सो ऑन। ठीक है, 6 का डिफरेंस यहाँ पर है, 6 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो दिस इज योर AP। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 2, 5, 3। दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है लास्ट से, ये सेम एग्जांपल भी है बुक के अंदर, इसमें AP 383। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, AP को उल्टा बना लेते हैं, इसका करने का तरीका 253 13 8 3, ये बन गया AP, ऑर्डर रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है, तो अब डायरेक्टली आप 20th टर्म निकाल सकते हो इसकी। तो 20th टर्म मतलब क्या बन जाएगा, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। तो A भी पता है और D भी पता है, पुट कर दो इसके अंदर, A है आपका 253 प्लस में 19 इंटू D की वैल्यू चेक करो क्या बनेगी, D की वैल्यू बनेगी यहाँ से माइनस 5 ना, 3 माइनस 8, यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो माइनस 5। तो सॉल्व कर दो इसको, 253 माइनस, ठीक है, ये माइनस करके जो आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18th पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखो इसके अंदर, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म एंड OP इज 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम आपको 24 गिवन है, तो लिख लेते हैं, फोर्थ टर्म मतलब A4 और एट्थ टर्म मतलब A8, वो कितना है 24। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। इसको लिख लो यहाँ पर, सिक्स एंड टेंथ, तो A6 प्लस में A10, वो कितना है 44। तो फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द AP, AP के 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब पहली 3 टर्म हम इसमें फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो करते हैं इसको, दो इक्वेशन बन रही है, सोल्व कर लो, A4 मतलब A प्लस 3D, A8 मतलब A प्लस 7D, कितना है वो 24। यहाँ से A6 मतलब A प्लस 5D और A10 मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो सोल्व करेंगे, ऊपर वाली क्या बन गई, 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन निकाल दो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक है, सेकंड क्या बनेगी, ये तो फर्स्ट आ गई, अब सेकंड बन रही 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, A प्लस 7D इज इक्वल में 22, ये सेकंड आ गई यहाँ पर। अब दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन लगा दो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये कैंसिल आउट, ये बचा 2D इज इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। अगर D
5 है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज a प्लस 5 इंटू डी 5 है 25 बना, इज इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से माइनस 30, तो a पता है और d पता है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल लिए ना इसमें, हाँ फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ a पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी माइनस 13, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर जब d क्या हो 5, तो पुट कर दो a 2 इज इक्वल टू a प्लस d, a क्या है यहाँ पर 13 और d क्या है a सॉरी माइनस 13 है d है 5, तो ये क्या आ गई माइनस 8 यानी माइनस 8। ऐसे ही ये थर्ड निकाल दो, ए थर्ड क्या बनेगा a प्लस 2d, a कितना आपका माइनस 13 प्लस में 2d कितना है d की वैल्यू है 5, तो ये बन गया आपका माइनस 13 प्लस में 10 यानी कितना आ गया 3, तो ये आ गई 3, ठीक है माइनस 3। तो इस टाइप से तीन टर्म्स निकाल दिए, तो ये क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में सुब्बा राव ने कोई वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000, जो उसकी एनुअल सैलरी थी, साल की सैलरी 5000 में स्टार्ट किया, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो मान लो उसने 5000 में स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, तो 200 रुपये फिर बढ़ गया, अगले साल कितना बन गया, ये हो गया, फिर 200 बढ़ गए यानी ये हो गया 100, ये एपी बन गया, ठीक है। तो कहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7000, कहता है कौन से साल उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएगी, मतलब फाइनेंस पहुँचते पहुँचते 7000 रुपये हो जाए, यानी ए एन आपका क्या है 7000 और एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन है 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, डी की वैल्यू क्या है 200, हर बार 200 रुपये बढ़ रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो, ये इधर आकर माइनस हो गया, कितना बचा 2000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस में 200, ये 200 इधर आकर प्लस हो गया यानी बन गया 2200 इज इक्वल टू 200 एन, तो 200 डिवाइड में आ गया, डिवाइड बाय 200, तो ये बचा आपका एन, ये कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 11, तो मतलब 11वें साल में जाकर उसकी जो सैलरी है वो कितनी बन जाएगी 7000 रुपये बन जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यस लास्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, रामकली ने जो है साल के पहले वीक में 5 रुपये बचाए हैं, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज़ 1.75, और फिर जो है हर बार इतने रुपये उसको सेविंग्स बढ़ती जा रही है, तो इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम रुपीज़ 20.75, कह रहा है nth वीक में जा कर गए, मतलब ए एन 20.75 बन गया है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन है जो अभी किया, पहले उसके पास 5 रुपये, फिर उसके कितने बढ़ते जा रहे हैं 1.75, तो कितने बन जाएंगे 6.75, 1.75 फिर बढ़ा दो यहाँ पर, कितना हो गया 15, ये बन गया, ठीक है, तो ये एपी फाइंड आउट हो गया आपका, और एन एच टर्म क्या है 20.75, तो ए एन क्या हो गया आपका 20.75 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी गिवन है 1.75 डी वन बनेगा इसका, ये हो गया, तो यहाँ से सोल्व कर दो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 एन और माइनस में 1.75, ये सी प्लस इधर आकर माइनस होएगा, बचा 17.50 इज इक्वल टू 1.75 है, तो इसको सोल्व कर दो, डिवाइड में क्या आ गया यहाँ से 100, ये इसके डिवाइड में आएगा और इसका 100 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट क्या बचा 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10 आ गई, सो दिस इज़ द क्वेश्चन।